हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं अपने लैपटॉप की जो है वो स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं। तो सिंपली इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसकी मैं हार्ड ड्राइव को हटा के मैं SSD लगाऊंगा। और सिंपली इस पूरे प्रोसेस के साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लैपटॉप को हम खोलते हैं और किस तरीके से उसके पार्ट को हम चेंज करते हैं। तो इस लैपटॉप की जो मेन प्रॉब्लम है ये है कि इसको ऑन करने के बाद काफ़ी टाइम लगता है ऑन होने में, और इसको जब भी हम शट डाउन करते हैं तो शट डाउन होने में भी टाइम लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को मैं दूर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लैपटॉप है और इसी की लैपटॉप की मैं हार्ड ड्राइव को चेंज करने वाला हूँ। तो सिंपली मेरे पास ये SSD कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको मैं SSD को हार्ड ड्राइव की जगह पे रिप्लेस करके लगाऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप को ओपन कर लेता हूँ और इसके सारे पेज को निकाल देता हूँ। और निकालने के बाद यहाँ पे मुझे लैपटॉप पे जो बैक कवर को होता है इसको बड़ी आसानी से ओपन करना है। किसी किसी लैपटॉप का जो बैक कवर होता है वो प्लास्टिक बॉडी में होता है तो ब्रेक होने का डर होता है। तो सिंपली मैंने इसको कवर को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मुझे हार्ड ड्राइव को है उसको इंसर्ट करना है, बाहर की तरफ निकालना है। तो सिंपली इसको मैं आसानी तरीके से, सबसे पहले मैं जो इसकी साटा की केबल होती है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद हार्ड ड्राइव को बाहर की तरफ खींच लेता हूँ। तो ये मेरा हार्ड ड्राइव था और इस हार्ड ड्राइव की जगह पे मुझे SSD लगाना है। तो सिंपली ये मैं निकाल लेता हूँ। आपको बहुत ही सावधानी से निकालना है। और ये मेरा SSD कार्ड है, आप देख सकते हैं। इस कार्ड को मुझे उस जगह पर रिप्लेस करना है। ये हार्ड डिस्क का जो कवर होता है, जो यहाँ पे ग्रिप के लिए सपोर्ट के लिए दिया होता है, इसको आपको बिल्कुल सही से फिट कर लेना है। देन फिट करने के बाद आपको उसी जगह पे इसको लगा देना है। और मैं थोड़े से इसको आराम से लगा देता हूँ। और ये मैंने लगा दिया और इसको मैं थोड़ा पुश करके इसको मैं फिट कर देता हूँ। और देन फिट करने के बाद एक बार इसकी मैं डिस्प्ले चेक कर लूँगा। और तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको मैं एक बार डिस्प्ले को चेक कर लेता हूँ कि BIOS में जाकर मैं चेक करता हूँ कि मेरा हार्ड ड्राइव शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 SSD के नाम से 256 GB का शो कर रहा है। ये वाला जो आप पार्टीशन देख रहे हैं मेरा SSD का है। तो सिंपली मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। देन ऑफ़ करने के बाद मैं इसके जो कवर है इसको मैं पैक कर दूँगा। देन इसको पैक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको विंडो को इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव इसके अंदर लगा दिया और इसको मैं बूट करा के, आपको बूट कराने के लिए F12 प्रेस करना है और सिंपली यहाँ पे आपको अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपका विंडो का जो लोगो होता है वो आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेटअप विंडो 10 का स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको जो भी विंडो चाहिए 64 या 32 उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट करने के बाद ये जो विंडोज़ की फाइल होती है वो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और विंडो की सेटअप है वो रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, SSD लगाने का यही, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट करना है सिंपली। देन यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर देना है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद सेटअप स्टार्ट हो चुका है। आपको लैपटॉप की स्पीड देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि SSD का क्या फ़ायदा हो। यहाँ पे हमें अगर आपके पास की है तो आप एंटर कर सकते हैं, वरना आई हैव डोंट की पे प्रेस करना है, आपको क्लिक करना है।
देन यहाँ पे आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चाहिए आपको, तो सिंपली मैं तो यहाँ पे विंडो 10 का प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सेकंड नंबर पे क्लिक करना है ताकि आप विंडो को इंस्टॉल कर सके। और यहाँ पे आपका जो SSD का पार्टीशन है कितने GB का है वो पूरा शो कर देगा आपको, तो आपको जितने भी पार्टीशन की ज़रूरत है आप क्रिएट कर लें। यहाँ पे मैं दो तीन पार्टीशन क्रिएट करूँगा, तो सिंपली आप अपने हिसाब से जितना भी पार्टीशन क्रिएट करना हो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे ऊपर वाले यानी सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो आप जिस भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहें उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाई करने के बाद आपका जो विंडो इंस्टॉलेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।